हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ ना एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो। तो इसमें मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहती थी कि मेरा नाम पूजा है और मैं बार्सिलोना में रहती हूँ और मैं इंडियन हूँ और इंडिया से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पर मैं रहते रहते मुझे 8-9 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। तो यहाँ पे रहते रहते अभी मैं कुछ भी हाउसवाइफ ही हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं कर रही। और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है और मैं साइंस स्टूडेंट थी बट मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी थी फाइनली। तो ये सब एज अ फैशन डिज़ाइनर ही मैंने इंडिया में काम करा है। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही रही चीज़ें कि मैं अभी काम नहीं कर पाई और इसलिए ये वीडियोज़ बनाती हूँ। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और स्टिल मैं अभी पढ़ती रहती हूँ, काफ़ी पढ़ती हूँ। और साइंस में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में चीज़ें जानती रहती हूँ। आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्ट है और मेरे को न्यूट्रिशन साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, उसके बारे में भी चीज़ें जानती रहती हूँ। क्राफ्ट्स का बहुत शौक है, गार्डनिंग का बहुत शौक है, कुकिंग बहुत का शौक है। ये सब चीज़ें मुझे मैं करती रहती हूँ और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीखती भी रहती हूँ। तो वो स्टोरेज होती जाएगी बट उसको अपने तक की तो नहीं रखना ना, तो उसको मैं आगे और आगे शेयर करना चाहती हूँ। मैं किसी को ऐसा नहीं है कि सिखाना चाहती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें जब बताते हैं तो किसी ना किसी को थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही जाता है ना। तो जैसे मैंने भी लिए हैं, मैं भी तो सीखती आ रही हूँ ना, आज भी सीख रही हूँ और सीखती रहूँगी। हर दिन कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और यही बेसिक सी मेरी इंट्रो है। उसके बाद ज़्यादा बातें धीरे धीरे ब्लॉग्स बनाऊँगी और आपको डिटेल में बताती रहूँगी। और ये ज़्यादा जो ब्लॉग्स बनाने की जो मोटिवेशन है मुझे किसने दी, उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो वो मुझे दी है ये छोटी सी लड़की ने। इस छोटी सी लड़की ने मुझे बोला कि आप वीडियोज़ बनाओ, और वीडियोज़ बनाओ और मेरे लिए बनाओ। ये सारी वीडियोस इसके अकॉर्डिंगली मैं इसके लिए बनाऊंगी, इसके लिए तो बनाऊंगी। और एक दिन मम्मा को सुशी बनाती हूँ और एक दिन पेस्ट्री बनाएगी और मैं भी होंगी एंड यू माइट सी मी इन सम वीडियोस। हाँ ये तो, और ये तो जहाँ भी जबरदस्ती आ जाएगी, नहीं बोलूंगी ना, नहीं आना तब भी आ जाएगी। मैं तो ज्यादा आइडियाज मैं तो बोलती हूँ मम्मा को। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया देती है। और मैं आल्सो मैंने मम्मा की जॉब स्टील कर लिया फैशन डिजाइनर। हाँ, इसने स्टील कर लिया क्योंकि इसको भी फैशन डिजाइनर बनना है। इसको फैशन डिजाइनर, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है ये। मैं तो अभी दिखा सकती हूँ, लेटर लेटर वीडियो जब हम करेंगे शूट तब हम दिखाएंगे। तो ये छोटी सी है। तो इसके साथ ही मैं आपको अपना जन्माष्टमी में मैंने क्या बनाया वो उसका कुकिंग का वीडियो भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी ना सेलिब्रेट या इन रिचुअल्स को मैं नहीं फॉलो करती, बट मैंने हाँ उस दिन कुछ अच्छा बनाया था वो मैं करूँगी शेयर आपसे। तो मैं ये नहीं करती जो भी फेस्टिवल्स है इस तरीके से जैसे इंडिया में करे जाते हैं ना, पूरे उसको रीति रिवाज के हिसाब से मैं कर नहीं पाती और वैसे होता नहीं है। तो इसलिए बस उस पर उस दिन मैंने खाना ज़रूर बहुत अच्छा खाना अच्छे से बना दिया, तो वो सब ने खाया, तो उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो अब ब्लॉग में देखिएगा, स्टार्ट कर। जो खोया है ना गुजिया के लिए वो मैंने एक रात पहले ही बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है खोया बनाने के लिए मिल्क। तो ये यहाँ से नॉर्मल शॉप्स पे मिल जाता है ग्रॉसरी स्टोर से, वही मैंने यूज़ करा, वही यूज़ कर लिया था।
तो इसमें दूध मिला के आपको पहले इसको मिक्स कर लेना, फिर थोड़ा सा घी डालना है, क्योंकि ये इसको इसमें ये मतलब घी वाला नहीं होता, ये लाइट फॉर्म है, तो इसलिए थोड़ा घी ऐड करना है आपको धीरे धीरे, दो तीन चम्मच, दो कप में मैं 3 से 4 चम्मच छोटे वाले वो ऐड करूँगी। फिर आपको धीरे धीरे इसको पकाना है, और इसको मैं भून के ही रख रही हूँ एक ही बार में, क्योंकि थोड़ा सा खोया मैं और एक डिश बनाऊँगी एक दो दिन में, तो इसलिए मैं यूज़ करने वाली वो रख लूँगी, तो थोड़ा यूज़ करूँगी और थोड़ा मैं रख लूँगी। तो ये सारा फटाफट से ही हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जब ये खोया बनने के बाद थोड़ा भूनना है ना, उसमें टाइम लगता है। खोया तो अगर आपको इस स्टेज पर चाहिए, ये तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये आपको खोया, ये आपका तैयार हो गया। ये मैंने रात को ही भून के भी रख लिया था कि मेरा एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा तो मेरी गुजिया जल्दी बन जाएगी। तो ये मैंने रात के टाइम में चने भिगोना का काम और ये सब मैंने रात को ही कर लिया था। तो आप देखिए ये अब धीरे धीरे ना आप इसको स्लो आंच पे भूनते रहेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि गुजिया में तो ब्राउन चाहिए होता है ना अच्छी तरह से भुना हुआ, वो मैं डालती हूँ, ऐसे कच्चा नहीं मैं डालती। तो आप इसको इस तरह से आप भून लीजिए, ब्राउन हो जाएगा, तो आप इसको रख ये इस स्टेज पे लाना है। तो मैंने भून के रख लिया ये, तो मेरा बहुत सारा काम आधा हो गया था। तो अब ये चने हैं काबुली चने, और इसमें ये आपको आंवला डाल के भिगो के रखना है, ये सूखा आंवला है वो डाल के आपको, ये एक्चुअली चिक्कड़ छोले बोलते हैं ना वो मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको इसको कलर देने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, आप चाय पत्ती भी डाल सकते हो। तो अब ये 2 चम्मच जो है मैंने सूजी के भी रोस्ट करके रख लेने हैं, ये भी इजी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मिक्स गुजिया, खोया और सूजी मिक्स करके। तो ये हो गया, ये मैंने एक जगह पे इकट्ठे करके, ये कोकोनट भी है वो भी मैंने रख लिया है थोड़ा सा इसको ब्राउन करके। मसाला मतलब मैंने काफ़ी ये जो ये वाला काम था ना, जो थोड़ा टाइम लगता है, नेक्स्ट डे नहीं उसी टाइम करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये बेसिक काम पहले ही करके रख लो तो बनाने बहुत आसान हो जाती है चीज़। ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तिल, ये थोड़े रोस्टेड ही है, हल्का सा इसको गर्म ही करा मैंने, थोड़े बादाम ड्राई फ्रूट्स आप देख लेना जो भी आपको छले, मगज़ डाले हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश भी डाली है, और ये पम्पकिन सीड्स भी मैंने थोड़े से डाल दिए, इसको भी हल्का सा रोस्ट करूँगी, हल्का 1 चम्मच घी भी डाल देना आप, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, ये थोड़े पॉप अप हो जाते हैं ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना। तो देखिए इसको 2-3 मिनट ही लगते, 2 मिनट मुश्किल से ही लगते हैं, आपको अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने निकाल के रख लिया है, तो ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या था, मैं उठते ही लग पड़ी चने की तैयारी में, कि चने पहले रख दूँ बनने, चने फूल भी गए थे तो उसका कलर भी अभी देखना और आ जाएगा, जब थोड़ा सा अदरक और 2-3 लहसुन की कलियाँ डाल के और थोड़ा नमक डाल के मैं इसको पकाने वाली हूँ। तो अदरक जो है इसमें अदरक ज़्यादा जाता है, तो आधा अदरक मैं अभी यूज़ करूँगी, आधा इसमें थोड़ा ऊपर से कच्चा डालते हैं तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं चना मसाला उसी वक्त ही साथ ही घर पे ही बनाती हूँ। ये आपका ये 2 बार मेरा चल जाता है, अगर आप ये बनाओगे ना तो ये आपका 2 बार चल जाएगा। इक्वल क्वांटिटी पे मैंने 2-2 चम्मच यहाँ पे जीरे के और धनिया साबुत धनिया लिया, इसको आपको लाइट ब्राउन करना है, ये निकाल लिया। अब बाकी मसाले, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, स्टार एनीस जो है, तेज पत्ता है, 2-3 4 है मोटी इलायची, लौंग, और ये आधा जो है टीस्पून जो मैंने डाला है यहाँ पे अजवाइन का, और सौंफ डाली है, सौंफ है और कसूरी मेथी है, काली सरसों है और काली मिर्ची। अब इन सबको भी आपको हल्का सा रोस्ट करना है, उनको थोड़ा ज़्यादा करना था, ये हल्का सा आपको हीट ही दिलवानी जिससे कि ये कड़क हो जाए, जब हम पीसते हैं ना तो वो एकदम से अच्छा फाइन पाउडर बन जाता है। तो अब इसको हल्का सा आपको ठंडा करना है, गर्म गर्म में मत करिएगा। तो अब ये यहाँ पे हम आटा, और मैंने थोड़ी सी सूजी ली है, 2 चम्मच सूजी के हैं, आटा नहीं सॉरी मैदा है, तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालें, और चीनी डालिए 1 चम्मच, और आपको इसको गूंदना है, इसको आपको मिल्क के साथ ही गूंदना है,
ये इंस्टेंट भटूरे मैं बनाती हूँ और इसको दूध के साथ ही गूंदिएगा कि बहुत अच्छा ना इसका जो है स्वाद और सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं ये दूध के साथ ही गूंदती हूँ, तो इस तरह से थोड़ा सा स्टिकी, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना, नॉर्मल आपको आटे की तरह ही गूंदना है, मीडियम सा, टाइट मत गूंदिएगा। और मैं दूध ही यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा आप आधा दूध और आधा दही भी कर सकते हो, समटाइम मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। तो इसको आप गूंद के रख लोगे, क्योंकि साथ साथ ही कर रही हूँ ना कि मेरे चने रखे हुए हैं और मसाला मैंने वो करके रख दिया है एकदम से, जो चना मसाला मैंने बनाना है। तो जब तक ठंडा होगा तब तक ये वाला आटा मेरा बन जाएगा और थोड़ा रेस्ट मिल जाएगी जब तक बाकी काम होंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा अब घी से इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेना और घी लगा के इसको रेस्ट करने के लिए आप रख देना। और उसके बाद मैं साथ ही गुजिया वाला आटा भी बना के रख दूँगी, क्योंकि उसको 1-2 घंटे रख देती होती हूँ मैं बना के ना, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी, पहले ये जब काम सब हो जाएगा ना, ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके बाद बनाऊँगी। तो ये आपको रेस्ट करने के लिए इसको रख देना है। अब ये भी मैंने आटा लिए, 2 कप आटा है, उसमें थोड़ा सा नमक और इतनी सी चुटकी जो है मैंने डाली है इसमें, चुटकी भरी बेकिंग पाउडर डाला है और मेल्टेड बटर है, ये 4 टेबल स्पून है। तो इसको आपको अच्छी तरह से मलना है, क्योंकि मोयन की तरह काम करेगा ना, तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से मल लेना ताकि ये थोड़ा खस्ता बनेगी जो हमारी गुजिया है ना, तो इस तरह से मल लेना कि मुट्ठी बन जाए। जब आप फाइनली देखोगे ना तो मुट्ठी बन जाएगी, ऐसे हाथ में लोगे तो आटे की मुट्ठी बन रही है, देखो। तो ये हो गया, अब इसको आपको ठंडे पानी के, फ्रिज के पानी के साथ मैं गूंद रही हूँ। ये मैंने पानी जो है ना फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में 10 मिनट, तो उतनी देर वो ठंडा हो गया। तो ये आटा आपको टाइट गूंदना है, ये आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डालना इसमें पानी, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और इतना भी टाइट ना हो, पत्थर जैसा भी ना हो, बट आप इसको थोड़ा थोड़ा सा टाइट गूंदेंगे दूसरे जैसे नॉर्मल आटा आप गूंदते हो उससे। तो इसको रेस्ट करवाने के 2-2.5 घंटे मैं रख दूँगी इसको अच्छी तरह से, जिससे बाद में ये सॉफ़्ट हो जाता है, मतलब ये बेलनी जो है ना हमारे गुजिया बेलनी, उसके लिए जो हम रोटी बेलते हैं ना वो इजी होती है। मुझे तो थोड़ा ज़्यादा रेस्ट करवाऊँ तो अच्छा लगता है कि 2-3 घंटे अगर आटा रेस्ट करने के लिए पड़ा रहे। तो ये काम तो 5 मिनट था, अभी हो जाएगा आधा काम, क्योंकि मैंने गुजिया का पहले ही कर लिया है, खोया भी पहले करके रख लिया था बिफोर नाइटी, और ये सब चीज़ें फिर साथ साथ फटा जल्दी काम हो जाता है। थोड़ा सा आप प्री प्लानिंग कर लो ना, कि आपको पता हो क्या बनाना है, तो आप थोड़ी सी प्री प्लानिंग करते हो तो किचन में बड़ी जल्दी काम हो जाता है। और वैसे भी मैं तो बहुत सारा काम करती हूँ, तो एक टाइम पे मेरी किचन फैल भी जाती है, बट उसके बाद मैं समेट लेती हूँ। मुझे कई बार ये समझ भी नहीं आता, बहुत सारे लोग ना बड़ी जल्दी और साफ़ ही रहती है किचन, पर मैं अगर काम करती हूँ या तो मैं एक टाइम पर 3-4 चीज़ें बना रही होती हूँ इसलिए हो जाता है, बट उसके बाद फिर मैं रिलैक्स भी बहुत रहती हूँ। ये भी है कि उसके बाद मैं ज़्यादा काम एक बार करके बाद में थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो अब ये चीनी जो है ना, ये मेरे पास ब्राउन शुगर ही मैं यूज़ करती हूँ, तो उसमें मैंने इलायची डाल के आपको ये पीस लेनी है चीनी, क्योंकि अब मैं मिक्सर लगाने वाली हूँ ना, तो इसीलिए मैंने अभी ये चीनी भी पीस ली, क्योंकि अभी मैंने मिक्सी रखी हुई है तो ये गुजिया में भी चीनी डल जाएगी और साथ में मेरा मसाला भी हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं मिक्सी लगाती हूँ ना तो मेरे माइंड में होता है मुझे क्या क्या पीसने वाला है, तो उस दिन शायद मैं कितने सारे मसाले एक बार ही बना लेती हूँ। तो इस तरह ये इसी टाइम मैंने कर लिया था, चीनी भी पीस ली क्योंकि मेरे पास नहीं थी दूसरी शुगर, तो मैं उसको पीस लेती होती हूँ ब्राउन शुगर ही। तो अब ये दूसरा मसाला भी पीस रही हूँ, वो पीस लिया है और उसमें चाट मसाला डाला है, लाल मिर्ची उसमें ऐड करनी है, आमचूर आपको ऐड करना है, तो उन सबको ऐड करके आपको अच्छी तरह मिक्स भी कर लेना है। तो वैसे मैं मेंशन कर दूंगी सारी डिटेल में भी मसालों की जो क्वांटिटी ना, अब जो चने थे ना मैंने उनको अपने पैन में निकाल दिया, उसके ऊपर ग्रेटेड अदरक डाला है, और ये जो है फ्राइड अनियंस है, ये आपको फ्राइड अनियन 2-3 चम्मच बड़े भर के डाल देने हैं। और इसके बाद जो मसाला, जो पिसा हुआ मसाला है, 4-5 चम्मच आप अच्छे से डालो, लाल मिर्ची डालो, ये मैं देगी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, और दूसरी लाल मिर्च थोड़ी सी यूज़ करिए, नमक ऐड करना है और इनको आप मिला लो, मिला के जब आप मिला लोगे तब आप गैस ऑन करना, और इस गैस ऑन करके थोड़ा सा पकाना है, और ऊपर से मैं अभी बताती हूँ इसका जो फाइनल टच है। और ये बड़े आसान है, और बिल्कुल आप जैसे आप
दिल्ली में, जैसे मैंने दिल्ली में खाए, अमृतसर में खाए, तो जो भी आप बाहर जैसे खाते हो ना, आपको ऑलमोस्ट वैसा ही टेस्ट मिलेगा। आपको लगेगा कि आप मार्केट से ही खा रहे हो, जो छोले भटूरे आप बाहर के खाते हो ना। तो अब इसमें जीरा और तेल अच्छे से गर्म करके, जीरा और हींग का तेल जो है मैंने उसमें डाल दिया, और उस तेल में इनको अब थोड़ी देर पकाना है आपको। और उसके बाद थोड़ा पानी भी डाल देना, थोड़ा पानी डाल के जितना आपको, अगर पतले बनाने हैं तो पतले भी डाल सकते हो। देखो लहसुन मैंने इसमें 2-3 कलियाँ डाली थी, वो मैं बेस के लिए डालती हूँ, नहीं तो बड़े ना मतलब मुझे लगता है कि हाँ बैलेंस बनाने के लिए लहसुन डालना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा नहीं, अदरक ज़्यादा डालना है इसमें, लहसुन तो 1-2 कलियाँ ही डालनी है। तो हरी मिर्ची मैंने ऊपर से डाल दी है कि जो जिसको खानी है वो इस तरह से खा सकता है। और थोड़ा पानी ऐड कर देना, गर्म पानी ऐड करके इसको 5-10 मिनट कम से कम पकाना अपना, साइड में स्लो आंच पे आपको इसको पकाना है। तो इसके साथ मैंने चटनी वटनी वो मैं बनाती हूँ कभी, और मैं दिखाऊँगी आपको। प्याज जो है मैं इमली के साथ डिप उसमें सोक करके वो, और या मूली और प्याज दोनों सोक कर लेते हैं, जो भी अवेलेबल हो। तो अभी ये हो गए हैं, आप देख सकते हो ना, ऊपर से आपको आप दिख गया, तेल भी ऊपर आ गया ना तेल। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करा, पर गर्म पानी यूज़ करो ना तो तेल हमेशा ऊपर आ ही जाता है। तो अब धनिया डाल के इसको आप साइड में रख देना, क्योंकि इसका जो चना मसाला है ना वो ही है मेन। अब जो भटूरे हैं उसका आटा बिल्कुल सेट हो गया है, इसको आप अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेना, प्लेन कर लो, हल्का सा घी मतलब तेल लगा के, घी नहीं। तो इसको मैं सॉफ्ट कर लूँगी। पहले आप पेड़े बनाना, पेड़े बना के रखना ताकि उनकी जो हवा है ना वो निकल जाती है, तो बेलना बहुत आसान हो जाता है। कभी भी आप रोटी भी बनाओ तो पेड़े को अगर 1-2 मिनट पड़ा रहता है ना तो उसकी रोटी अच्छे से बेली जाएगी। तो अब मैं सबसे पहले पेड़े बना के रख लेती थी। तो साथ के साथ ये रेस्ट कराने वाले पार्ट्स है ना, आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ता है, आपको वेट नहीं करनी, आपको साइड बाय साइड काम। आप पेड़े बना के रखोगे, जब तक पेड़ों की रेस्ट हो जाएगी तब तक ऑयल गर्म हो जाएगा। तो क्या होता है कि आपको आपको लगेगा नहीं कि आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं होता इस तरह से। तो अभी मैंने डाल के देखा, अभी नहीं हुआ था, साथ ही साथ मैंने बेल भी लिया था इनको, भटूरों को। भटूरों की शेप आपकी मर्ज़ी है, आप लंबे में बनाना चाहो, राउंड में बनाना चाहो, वो आपके ऊपर है। तो आप देखो ये कितना अच्छा इंस्टेंट है, इसको मैंने मतलब कुछ भी देर नहीं तक रेस्ट हाँ। भी नहीं कराई। ठीक है, बताओ कैसा है। अब इनको खिलाने के बाद मेरी बारी आई और मैंने भी खा लिए छोले भटूरे। और देखिए ये आंवले का अचार भी मैंने बनाया हुआ था पहले का, शेयर करूँगी इसकी रेसिपी भी। अदरक है, ये नींबू में सोख करके रखती हूँ अदरक। और ये जो प्याज है, ये इमली और कोकम, या इमली हो या कोकम हो कुछ भी हो, उसमें ये मैं ना सोख करके बनाती हूँ साथ में छोले भटूरे के साथ। तो वो हो गया, और करने के बाद हमको जाना था, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो कुछों को कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दिलाना होता है। तो इसको लेके मैं चली गई बाहर के, चलो चलते हैं। तो अभी हम छोटा सा गिफ्ट लेके घर वापस आ जाएंगे। कुछ भी इसको छोटा सा कुछ दिलाया था, एक फ्रॉक ही है बट वो उसको दिलाई थी, ये एल्सा और अना। तो कुछ बहुत ही दीवानी है। और घर आके अब मुझे बनाने थे गुजिया, आपके सामने मैंने आधा काम तो पहले करके रखा था, अब सिर्फ गुजिया अब मुझे बेलनी है और थोड़ी सी बनानी है। और सारी नहीं बनाऊंगी अभी मैं आधी बना के ही रखूँगी। फ़िलहाल थोड़ी सी खा लो, फिर मैं बाद में धीरे धीरे बनाती रहूँगी रात को। अभी सिर्फ चाय के साथ ये बना रही थी थोड़ी सी। तो इस आटे को इस तरह से आपको थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है, और उसके बाद छोटे छोटे इसके पेड़े बनाने हैं आपको। पेड़े बनाने के बाद आप इसको फिल कर दीजिए। मैं 2-3 तरीके से बता रही हूँ जिस तरह से मैं कर लेती हूँ। पहले आप पेड़े बना के रख लो सारे, तो ये प्लेन ना फिर आपकी रोटी जो है प्लेन बेली जाती है। अगर आप पहले थोड़े पेड़े बना के 2-4 मिनट की उनको रेस्ट करवा दो ना। तो अब सबको मैंने इस तरह से बेल लिया, और
बेलने के बाद मैं आपको उसका जो है ना मोल्ड है उसमें भी बताऊंगी, और मैं हाथ से भी कर लेती हूँ, दोनों से ही बना लेती हूँ। और सेंटर में आपको बिल्कुल इसकी फिलिंग रखनी, और इसमें ना ज़्यादा फिलिंग मत डालना, क्योंकि ये ना थोड़ा सा डेलिकेट होते, हल्का से फट गया ना तो फट ही जाता है। वैसे तो सब हर बार ऐसा होता है, आप जितनी कोशिश मर्जी कर लो आपका फट जाता है। और एजेस पे पानी लगा के मैं इस तरह से इस फोक से शेप दे दूँगी, जैसे समोसे में देते हैं। और दूसरी मैं आपको बताऊंगी कि मैं मोल्ड में भी बनाती हूँ, मैं भी मैंने बनाया अभी, वो भी है मेरे पास, मोल्ड भी है। तो हल्का सा मोल्ड को ग्रीस कर लेना बस, और इस तरह से एक रोटी रखना, उसके साइज़ से बड़ी रोटी, और सेंटर में आप फिलिंग रखो, और इस और कॉर्नर्स में फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाओ और इसको दबा दो, और ये आपके बन गए गुजिया। इस तरह से आपकी शेप आ जाएगी। और दूसरी शेप जो ऑथेंटिक जो कॉर्नर्स को राउंड राउंड करते हैं ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखो ऐसे, साइडों में थोड़ा सा पानी लगा लो, बट मुझे हाथ वाला ही सबसे ज़्यादा ना वैसे बेटर वही लगता है, हाथ से ही करना। और मेरे पास एक इंडिया में तो ऐसे होता था कि एजिस को काट दो और आपकी शेप बन गई, अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं खुद इंडिया जाऊंगी तो वो लेके आऊंगी। तो वैसे बनाती थी, वो भी फटाफट से उसकी एजिस क्या होते हैं, क्लीन भी बन जाते हैं और जल्दी बनते हैं। अब ये मैं आपको बता रही हूँ मैं फोल्ड कॉर्नर्स को फोल्ड कैसे करना है करती हूँ। सिंपल है, ऐसे नहीं, कॉर्नर्स पर आपने लगा दिया थोड़ा सा पानी, पहले उस हाथों से दबा दो, फिर आपको इसको एक एक फोल्ड देते जाना है साइड से, एक 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 के ऊपर एक फोल्ड, एक के ऊपर एक फोल्ड, इस तरह से करते 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 आपके ये फोल्ड, इस फोल्ड वाली लुक आ जाएगी। तो बस अब मैं इनको फ्राई करना है, फ्राई आपको यहाँ पे फ्राई का ध्यान रखना, तेज़ नहीं होना चाहिए। अब अगर ये मुझे थोड़ा सा तेज़ लग रहा है, इसको एक आप एक मिनट के लिए हटा दो गैस से, तो इसका बैलेंस हो जाता है टेम्परेचर ना। तो अभी अभी मैं भी इसको मैंने हटा दिया कुछ देर के लिए, एक मिनट के लिए रखूँगी फिर स्लो हीट पे ही, क्योंकि फिर ये अंदर तक ना इसकी जो लेयर है ना वो क्रिस्पी नहीं होती। इसको बस गुजिया को यही है कि आपको बिल्कुल हल्की आंच पे सेकना है, जैसे कचौड़ी होती है उनको भी आपने तेज़ आंच पे सेक सकते हैं ना, तो गुजिया भी ये सेम है। तो इसका जो आउटर लेयर है ना वो आपको क्रिस्पी चाहिए, तो आपको इस तरह से स्लो आँच पर, ये मेरी लगता है मेरे को फट गई थी एक, हाँ ये वही है, तो मैंने फटाफट से बाहर निकल लिया, पर ये पक गई है, ये अच्छी बात है। तो फट मतलब अब मैंने अभी तक सबको देखा, जितना मर्ज़ी आप कर लो आपकी कोई ना कोई गुजिया ज़रूर फट जाती है जब भी बनाओ आप। तो इंडिया में तो मैं बहुत सारी बनाती थी, क्योंकि वहाँ फैमिली बड़ी थी ना, तो काफ़ी सारी बनाती थी, होली पे बनती हैं बट ये मैंने इसलिए बना ली, पर काफ़ी सारी बनती है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी बनाई है अभी, 10-15 बनाई होंगी, और बाकी सोचा था बाद में रात को देखूंगी, डिनर के बाद जो है उस टाइम थोड़ी सी और बना के रख लूँगी, अभी चाय के साथ बना लिए, क्योंकि यही फेस्टिवल्स के दिन होते तो थोड़ा आप खा लेते हो। तो चलिए अब मैं इसी नोट पे बंद करती हूँ, ये भी मैंने रेसिपीज़ भी शेयर कर दी, और आपको कैसी लगी ये, बनाना ज़रूर है, चने बड़े अच्छे बनेंगे, और ये गुजिया। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपीज़ और मेरा ब्लॉग, आपसे फिर मिलूँगी जल्दी किसी और ब्लॉग में ना, कुछ अच्छी बातें शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर